यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। गढ़वा जिले के नगर उटारी सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में सामाजिक समरसता मंच के तत्वाधान में बाबा साहेब की 128वीं जयंती के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा उज्जैन से संस्कारित रामजी दास उपाख्य रामपुरी नागा बाबा, मंच के पलामू प्रक्षेत्र प्रमुख महेश प्रसाद साहू, विद्यालय के शास्त्र सचिव राजकुमार प्रसाद व प्रधानाचार्य के द्वारा संयुक्त रूप से भारत माता और बाबा साहेब की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर समारोह का विधिवत उद्घाटन किया गया। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद कृष्णकांत दुबे ने बाबा भीमराव की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जीवन भर बाबा साहेब दलितों के साथ साथ समाज के अधिकारहीन वर्ग की उन्नति के लिए सतत संघर्षशील रहे। बाबा साहेब व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार थे, कुशल राजनीतिक विधिवेता के साथ साथ मानव विज्ञानी भी थे। भीमराव ने शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो का संदेश दिया। इसके अलावा कई लोगों ने भी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को केंद्र में रखकर अपने अपने विचार दिए। समारोह में केदार प्रसाद, नंद किशोर सहित दर्जनों की संख्या में गणमान्य जन शामिल हुए।